दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय तनिष्क स्कूल ऑफ नर्सिंग। महिला और बाल कल्याण विभाग के संकल्पना को ध्यान में रखते हुए नागपुर पुलिस द्वारा सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में बाल स्नेही कक्ष की स्थापना की गई। डीसीपी विनीता साहू ने बताया कि अक्सर पुलिस स्टेशन में परिजनों सहित बच्चे भी आ जाते हैं, जिन्हें अच्छा वातावरण मिले वह पुलिस स्टेशन में अच्छा महसूस करे, इस उद्देश्य से यह कक्ष की स्थापना की गई। उन्होंने आगे कहा कि इस संकल्पना को मिलने वाले प्रतिसाद के बाद आगे अन्य जोन में भी इस उपक्रम को कार्यान्वित किया जाएगा। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सबसे पहले एक ऐसी संकल्पना व्यक्त की थी जिसमें पुलिस स्टेशन में जो बच्चे आते हैं, चाहे वो जो उनकी तकरारदार माताएं उनके साथ आते हो, रिलेटिव्स के साथ आते हो, चाहे एज विक्टिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस आते हैं, या फिर पॉक्सो के जो ऑफेंसेस हैं उसके जो विक्टिम्स हैं, या फिर आप देखा जाए तो चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर हो या विधि संघर्ष बालक है, ऐसे बच्चों को जब पुलिस स्टेशन में एज विटनेस या विक्टिम लेके आते हैं तो उनको एक अच्छा वातावरण देने के लिए ये बाल स्नेही कक्ष की स्थापना की गई है या चाइल्ड फ्रेंडली जोन यहाँ पे बनाया गया है सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में। और इसके पीछे संकल्पना यही है कि बच्चे यहाँ पर तनाव मुक्त होकर पुलिस स्टेशन में रहें, उनको किसी भी प्रकार का यहाँ तनाव ना हो, और बच्चों का जो पुलिस से किसी भी प्रकार का भय है, भीती है, ये उनकी दूर हो और पुलिस उनको एक दोस्त और निकटवर्ती के समान प्रतीत हो, इसके लिए ये बाल स्नेही कक्ष की स्थापना की गई है। ऐसे ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ये पहला बाल स्नेही कक्ष शुरू किया गया है नागपुर शहर में। यहाँ का प्रतिसाद देखते हुए आगे डिसाइड किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली बाकी के पांचों जोन में जोनल लेवल पर एक एक ऐसे कक्ष की स्थापना हो सकती है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ये कक्ष ही नहीं निर्माण किया गया है, ऐसे मैटर्स जो डील करते हैं, हैंडल करते हैं, वैसे हमारे अधिकारियों और ऑफिशियल्स को बच्चों से बात करने की, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने की, उनकी प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करनी है, उनसे कैसे बर्ताव करना है, इसकी सबकी ट्रेनिंग दी गई है। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स थे, चाइल्ड वेलफेयर में चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, इन्होंने आकर हमारे स्टाफ को ट्रेन किया है। पुलिस स्टेशनला जे महिला काही तक्रार निमित्ताने येतात, बरेचसे वेळी त्यांच्या सोबत लहान मुले असतात आणि त्यांना प्रत्येक पुलिस स्टेशन परिसरामध्ये अस्वस्थता वाटत होती अशी प्रकारची आमच्याकडे फीडबॅक प्राप्त झाली होती आणि त्या अनुषंगाने एक बाल सहायक कक्ष ज्यामध्ये जरी महिला आली तर त्यांचे मुला या कक्षामध्ये त्यांना ठेवून ते महिला त्यांचे तक्रार देऊ शकतात, या धारणाने ही कक्ष स्थापना करण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर जे महिला कर्मचारी मोठ्या संख्येने ड्युटी पोलीस स्टेशन्सला किंवा ट्रॅफिक ब्रांच इतर ठिकाणी असतात, बरेचसे वेळी त्यांना पण मुलांना आणून ठेवण्याची गरज वाटत असतात, त्यामुळे हे बाल सहायक कक्ष त्यांच्यासाठी पण उपयोगी राहील। तसेच महिलांसाठी जसे महिलांचे संख्या पोलीस दलात वाढलेली आहे महिला कर्मचारीची, त्यांच्यासाठी एक अधिकार कक्ष ज्यामध्ये ते आराम करू शकतात अशा प्रकारचे कक्षचे स्थापना पण करण्यात आलेली आहे। आणि हे नक्कीच यामध्ये जनता आणि पोलीसमध्ये जे आणखी जवळ एक चांगली रिलेशनशिप बनेल आणि पोलिसांवर लोकांची जास्ती आणखी जास्ती विश्वास स्थापित होईल अशी या धारणाने ही कक्षची स्थापना करण्यात आली।